अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई हूँ वो है देसी मुर्गा। आइए हम बनाते हैं टेस्टी देसी मुर्गा। यहाँ पर मैंने छोटे देसी मुर्गे लिए हैं, छोटे छोटे छः मुर्गे लिए हैं और उसके मैंने छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं। अब हम इसको एक कढ़ाई में बनाते हैं। गर्म होने रखा है, मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज काट के रखी है, वो मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसको पीसेंगे। तो थोड़ी मैं ब्राउन कर लूँगी, उसके बाद पीसूँगी प्याज को। मैंने मोटी मोटी प्याज काटी है, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई है। अब यहाँ मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, उसको ठंडी करके इसको पीस लूँगी। अब मैं यहाँ चिकन के पीस फ्राई करूँगी, क्योंकि हमने छोटा मुर्गा लिया है तो हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि ये बिसांदे ना लगे। 10 मिनट मैंने देसी चिकन को फ्राई कर लिया है, अब इसे बाहर निकाल लूँगी। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल डाला है और 2 टेबल स्पून में असली घी डाल रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। ऑयल और घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब यहाँ पर मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं, हरी इलायची 3 ली है, 2 बड़ी इलायची ली है, दालचीनी ली है, लौंग ली है 4-5 और काली मिर्च ली है और जावित्री ली है। अब इन सबको मैं तेल में डाल दूँगी। इनको हम थोड़ी देर अच्छी तरह से फ्राई हो जाने देंगे। मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पर जो मैंने प्याज तली थी उसको पीस के रखी है, वो ऐड करूँगी मैं। तो हमारी तली भी है, इससे ज़्यादा हमें तलने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हम अच्छी तरह से भुनाने देंगे प्याज में। मैं यहाँ डालूँगी स्वाद अनुसार नमक और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और हम ये मसालों को अच्छी तरह थोड़ी देर भुनाने देंगे। अदरक लहसुन को इन सब लहसुन को भुनाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून। आप जितना मिर्च और नमक खाते हो आप उस हिसाब से डालिए, इसमें थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। पाउडर डालने के बाद अब मैं डालूँगी यहाँ पर धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से भुनाने देंगे। डालूंगी दही, मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। भुनाने के बाद यहाँ पर मैंने 15 काजू और 2 टेबल स्पून खसखस ली थी उसको पीस के रखा है, ये भी मैं डाल दूंगी इसमें। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले में। इसे डालने के बाद मसाला बहुत उड़ता है, इसलिए आप इस तरह से ढककर उसको भूनिए और थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डालते जाइए कि मसाला हमारा चिपके नहीं। अब यह हमारा मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब मैंने जो ये देसी मुर्गा यहाँ पर फ्राई करके रखा है उसको मैं इसमें ऐड करूँगी। मसाले में हम ऐड कर देंगे मुर्गे को और उसके बाद इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। पूरी बटर अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर दी है, अब हम इसको इतनी देर भुना देंगे जब तक कि ये गल ना जाए। हमारे मुर्गे को पकते हुए 1 घंटा हो गया है और ये अच्छी तरह से गल चुका है। सबसे लास्ट में मैं डालूँगी यहाँ पर गरम मसाला 1/4 टीस्पून, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाला डालने के बाद सबसे लास्ट में मैं डालूँगी हरा धनिया और अब यहाँ पर मैं गैस को बंद कर दूँगी और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारा देसी मुर्गा बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको इसमें थोड़ा और शोरबा करना है तो आप इसमें थोड़ा पानी डालकर इसको और कर सकते हैं, मगर ये भुनी भुनी इस तरह से कम शोरबे की ही अच्छी लगती है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आपकी फैमिली और फ्रेंड में भी इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।